हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं चांदी, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये हमारा ना नवरात्रि का चौथा दिन का ब्लॉग है। तो यहाँ पे क्या है कि अभी मैंने पूजा वगैरह कर ली हूँ और अभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि अभी मैं 2-3 दिन से ब्लॉग मतलब कि नवरात्रि के फर्स्ट दिन ही ब्लॉग मैंने ब्लॉगिंग करी थी, फिर इसके बाद मैंने करी थी। तो मैं क्या था ना कि मतलब सोच रहे थे करने के लिए बट कर नहीं पाते थे। तो यहाँ पे इधर मैं इधर पूरा ये माता जी का पूरा मैंने चौकी इधर पूरा लगाए हूँ और इधर सेट करके मैं इधर पूजा करती हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना बेड वगैरह लगाई हूँ। यहाँ पे मैं रात्रि में मतलब कि नाइट में यहाँ पे सोती हूँ। सुबह वगैरह मतलब कि बैठना वगैरह सब कुछ मेरा यहीं पर होता है। तो मैंने ये जो पूजा वाला रूम था ना, तो इसी में मैंने पूरा सेट करके मतलब कि रखी हूँ, क्योंकि मैंने पूरे पूरे मैंने 9 दिन का फास्ट है ना वो रखी हूँ, तो फिर इसलिए है। तो उसमें क्या होता है ना कि मतलब बेड वगैरह ये जो होते हैं उस पर मतलब गद्दे वगैरह पर नहीं सोते हैं ना, तो इसलिए मैं यहाँ पे अपना यहाँ पे आप लोग को मैं दिखा दूँ। तो यहाँ पे मैंने बेडशीट वगैरह डाल के ये और यहीं पे मतलब कि नाइट में भी पूरे नाइट में भी और इधर सारा पूजा वगैरह का करें और इधर यहीं पे मैंने सारा काम वगैरह जो अपना करना होता है यहीं पे करते हैं। बाकी और बाकी घर का जो काम है उसको तो करने हैं। तो चलिए फिर आगे के वीडियो कंटिन्यू करते हैं। तो अभी मैं पूजा वगैरह कर लूँगी। अभी मॉर्निंग से मैंने कुछ अभी मैं जा रही हूँ, थोड़ा चाय वगैरह बनाऊँगी और इसके बाद थोड़ा सा कुछ खाते हैं, इसके बाद लंच वगैरह बनाऊँगी और देखते हैं क्या क्या करते हैं। आज का ब्लॉग आप लोगों के साथ शेयर करते हैं, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है मैंने 4 दिन से नहीं तो मतलब क्या है ना कि ऐसे ना मतलब टाइम वगैरह नहीं मिल पा रहा है, एडिटिंग नहीं हो पा रही। चलिए फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी मैं क्या है ना कि किचन में आ गई हूँ और मैं कुछ बनाऊँगी खाने के लिए। तो मतलब खाने के लिए क्या, मैं दूध वगैरह गर्म करूँगी और थोड़ा चाय वगैरह बनाऊँगी, थोड़ा सा मूँगफली वगैरह थोड़ा सा भूनूँगी। तो मैं क्या था ना कि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट वगैरह बना दी थी और बच्चे वगैरह स्कूल चले गए हैं। तो अभी क्या है कि मैं थोड़ा सा दूध गर्म करने के लिए रखूँगी और चाय बनाऊँगी और इधर मूँगफली को थोड़ा सा भूनूँगी। तो यहाँ पर अभी देख सकते हैं मैं यहाँ पर दूध रख रही हूँ और यहाँ पर दूध को पहले गर्म कर लेती हूँ। तो अभी क्या है कि इधर हमारा दूध गर्म हो गया है और इसके बाद यह हमारा तवा भी गर्म हो गया है। तो इस पर हम क्या करेंगे कि मूँगफली डालूंगी और डाल के थोड़ा देर इसको मैं मतलब थोड़ा देर क्या इसको मतलब अच्छे से मैं भून लूँगी। तो भुनने के बाद में मैं बनाऊँगी अभी चाय। तो अभी क्या है कि अभी मैं ये दूध इसमें से डाल के और थोड़ा सा चाय रख दूँगी, बाकी दूध मैं ऐसे ही रख दूँगी। तो यहाँ पे अभी देख सकते हैं मैं दूध डाल रही थी ना, तो क्या वो थोड़ा सा दूध गिर गया है। तो अभी मैं साथ के साथ क्लीन कर दूँगी तो क्लीन रहेगा, नहीं तो फिर क्या होता है ना कि धीरे मतलब थोड़ा सा छोड़ दो ना तो ज़्यादा ही मतलब फैल जाता है, तो फिर ज़्यादा ही मतलब फिर अच्छे से क्लीन करना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर मैंने ये जो डब्बा है इसमें मैं सारा मतलब कि जो पूजा में मतलब पूजा के लिए खाना वगैरह के लिए जो होता है ना वो सारा इस डब्बे में मैं डाल के रखी हूँ, पैकेट में ही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने सेना नमक थोड़ा सा था जो कि मैं मूँगफली में डाली और यहाँ पे ये चीनी है। तो ये सारे मतलब कि ये पूजा का ही सामान मैं इसमें रखती हूँ, बाकी सब मतलब डेली यूज़ वाला जो है वो सब डब्बे में रखती हूँ। तो इसको क्योंकि कभी कभी ज़रूरत पड़ती है इसीलिए मैं सारा इसी में डाल के रखती हूँ। और यहाँ पर अभी हमारा चाय बन गया है, तो मैं यहाँ पर चाय बन गया तो अभी हमारा चाय और मूँगफली रेडी हो गया है। तो इसको मैं पहले चाय पी लेती हूँ और मूँगफली थोड़ा सा खा लेती हूँ, इसके बाद मैं लंच वगैरह बनाऊँगी। तो क्या है ना कि लंच वगैरह कुछ मैं शूट नहीं करी थी और ये क्या है कि लंच वगैरह बनाने के बाद का वीडियो है। तो यहाँ पे क्या है, मैं पूजा के पास बैठी थी तो यहीं पे मैं बैठ के और ये क्या था ना कि ये जो तीज वाला जो हमारा साड़ी था वो कब से ऐसी रखा हुआ था, तो ये मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही थी। ये
क्या था ना कि इस पे मुझे फॉल लगाना था, तो इस पे मैं सोची ना कि मतलब एक बार ट्राई करते हैं खुद से लगाने के लिए। तो ये बाकी ना नीचे वाला जो था मुँह में उसको इंटरलॉक करवा ली थी, और बाकी मैंने ऊपर का थोड़ा सा उसको मैं खुद से सिलाई कर ली, तो काफ़ी अच्छा लग गया था। फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई करी थी और काफ़ी मतलब अच्छा लगा था, मतलब कि ऐसा नहीं था कि मतलब फर्स्ट बार मैं लगा रही हूँ ना तो पूरा मतलब ऐसा हो गया, मतलब अच्छा नहीं लगा। यहाँ पे कंप्लीट कर ली हूँ तो इसको मैं निकाल लूँगी, इस पर जो ये बड़ा बड़ा जो धागा है ना इसको मैं अभी निकाल ली हूँ। तो ये हमारा सारा कंप्लीट हो गया है। और क्या था ना कि मतलब तीज से इसको फॉल्स लगाना था, तो इसलिए क्या था ना कि ऐसे बाहर रखा हुआ था तो मुझे इसको वॉश करके रखना था, तो इसलिए मैं सोची ना कि इसको फॉल्स लगा लेते हैं, इसके बाद मतलब कि इसको रखते हैं। तो साड़ी में मैं फॉल लगाने के बाद में आ गई थी यहाँ पे कपड़ा फोल्ड करने के लिए, क्योंकि मैं 2 दिन से मैं कपड़ा वगैरह फोल्ड नहीं करी थी, सारा ऐसे रखा हुआ था बिस्तर पे, क्योंकि ये इसमें तो पूजा के पास सोती थी और ये बेडरूम में ऐसे खाली रहता था, क्योंकि फर्स्ट वाले जो रूम है ना उसमें मतलब कि बच्चे वगैरह और हस्बैंड वगैरह उन लोग सोते थे। तो इसलिए क्या था कि इस पर मैं सारा 2 दिन से कपड़े वगैरह रख दी थी, और यहाँ पर मेरी लड़की मेरे से बात कर रही है, उसका क्या है ना कि GK का पेपर है, तो मैं बोली हूँ थोड़ा सा बेटा उसको लर्न कर लो ताकि मैं आऊँगी तो उसमें से मैं पूछूंगी आपसे, तो वहीं बोल रही थी कि मामा मैं लर्न कर ली हूँ। तो इसके बाद यहाँ पे अभी देख सकते हैं मैं सारा कपड़ा वगैरह फोल्ड कर लूँगी। और क्या था ना कि फोल्ड वगैरह करने के बाद में फिर मैं ज़्यादा मतलब शाम का भी शूट नहीं करी थी, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया था। और इसके बाद मुझे मैं मतलब कि दिया वगैरह फिर जलाना था, फिर इसके बाद मतलब नहाना वगैरह होता है ना, तो फिर शाम को मतलब कि तो फिर उसमें भी काफ़ी टाइम चला जाता है, तो फिर मैं ज़्यादा शूट नहीं करी शाम को भी। तो यहाँ पर अभी मैं सारे कपड़े वगैरह फोल्ड करके और अलमीरा में सेट कर दूँगी, ताकि मतलब क्या ना फोल्ड करो या नहीं करो कपड़ा कितना भी धोते हैं और धोते रहो और उसमें मिक्स होते रहता है, तो सबसे मेन काम होता है ना फोल्ड करके जगह रख जाए ना, तो फिर उसमें से पता चलता है ना कि कौन सा गंदा है कौन सा मतलब ये नहीं, तो ऐसे पूरा मिक्स हो जाता है, पता भी नहीं चलता है कितना कपड़ा धोना है कितना फोल्ड करना है। तो इसलिए अभी मैं इसको अच्छे से पूरा सेट कर लेती हूँ, और सेट करने के बाद में मैं आगे का यहाँ पे देख सकते हैं ये सारा पूरा इसमें मतलब कि इन सारे मतलब कि इसमें मैं अपना कपड़ा रखी हूँ, एक में बड़ी वाली का एक में छोटे वाले को, ऐसे करके मैं मतलब कि सारे रखी हूँ। और यहाँ पे मैं अलमीरा इसको बंद कर रही हूँ, तो यहाँ पे क्या है ना कि ये मैंने वो जो लाइट लगाई हूँ ना तो उसका ना वायर है ना नीचे आ गया है, तो इसलिए वो बार बंद नहीं हो रहा है, तो उसी को मैं यहाँ पर कर रही हूँ। तो मेरे से नहीं हुआ, लास्ट में मैं ऐसे ही उसको रख दी हूँ, बाद में इसको करेंगे अच्छे से। और यहाँ पे ये देख सकते हो मैंने काफ़ी ट्राई करी थी बट हुआ नहीं। और इसके बाद यहाँ पे मैंने बाकी मतलब कि सारे सब कपड़े वगैरह सब मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड कर ली हूँ, और बाकी मतलब क्या था ना 2 दिन से ना कपड़े वगैरह फोल्ड कुछ नहीं करे थे, और इसके बाद अभी ये वॉश करना है, उसको मैं निकाल के रख देती हूँ। तो ये क्या है, ये हमने इसको इसमें फॉल्स लगा लिए और इसको मैं वॉश करके रखूँगी। तो अभी क्या है ना कि इस साड़ी को मैंने फॉल वगैरह इसको लगा दी थी जैसे कि मैं आप लोग को बताई, तो अभी मैं इसको फोल्ड करके रख दूँगी, जब मुझे वॉश करना होगा लेके मैं इसको वॉश करके और रख दूँगी, क्योंकि अभी तो मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो इसलिए मैं अभी इसको रख देती हूँ, बाद में इसको आराम से वॉश करके रखूँगी। और यहाँ पर देख सकते हैं मैं आपको फॉल दिखा रही हूँ कितना अच्छे से लग गया है। तो चलिए फिर इसको मैं फोल्ड करके रख देती हूँ। और मैं अपना वीडियो यहीं पे एंड करूँगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बेल आइकन भी जरूर प्रेस करिएगा, इससे आपको नोटिफिकेशन मिलेगा जब मैं वीडियो डालूँगी।